नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को खारिज कर दिया है और वो कहते हैं कि हिंदू की बजाय राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उनका बयान चर्चाओं में है। इसके साथ ही संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी आया है। वो मानते हैं कि चमत्कार सिर्फ ईश्वर करता है, इंसान नहीं। अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई में चमत्कार करते हैं तो फिर वो अस्पताल क्यों खुलवा रहे हैं? जोशी मठ में जो दरारें आ रही हैं, उन दरारों को बंद कर दें या उनको रुकवा दें? खैर, और तमाम सारी बातें हैं जो सत्य, सनातन और संस्कृति से जुड़ी हुई, हम उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्हीं के पास चलेंगे जो कि ज्योतिष के पीठाधीश्वर हैं। शंकराचार्य जी, आपको प्रणाम कर रहा हूं मैं। नारायण नारायण जी। शंकराचार्य जी, आपकी उम्र 8 साल की थी उस वक्त। आपका नाम उमाशंकर पांडे था और आपके पिता आपको आश्रम में छोड़कर चले गए। ऐसी उम्र जब बालकों की होती है तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने साथियों के साथ खेलना चाहते हैं, अटकेलियां करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में आप आश्रम चले गए, आपके पिता छोड़कर चले गए। उस वक्त के भाव कैसे हैं और वहां से लेकर शंकराचार्य बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, हमको हमारे पिताजी ने जी संस्कृत पढ़ने के लिए, विद्वान बनने के लिए और भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए तैयार करने के लिए जी एक आश्रम में छोड़ा था और वहाँ पर रह करके हमने भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया। पिता की जो आकांक्षाएं थीं वो कैसे पूरी होंगी, इस बारे में हम विचार करते रहे और नियति जहाँ ले जाती रही वहाँ हम जाते रहे जी। और आज इस रूप में आपके सामने जी, वाकई शंकराचार्य के रूप में आप हमारे सामने हैं। शंकराचार्य जी, अगर आप सीधे कैमरे पे देखेंगे तो दर्शकों को सीधे संबोधित कर पाएंगे। एक सवाल और है मेरा, एक सत्य, सनातन और संस्कृति है जो पौराणिक काल से, सनातन काल से हमारे साथ चली आ रही है, और एक सत्य सनातन संस्कृति है जो आज के दौर में आज के नेताओं ने, आज के साधु संतों ने तय कर दी है, जिसे लेकर विवाद भी विवाद हो रहा है, धर्म को लेकर विवाद हो रहा है, ईश्वर को लेकर विवाद हो रहा है। ये दोनों जो सत्य सनातन संस्कृति है, इसको लेकर आपके मन में क्या भाव? नहीं, दोनों तो सत्य नहीं हो सकता ना, परस्पर विरुद्ध भी हो और सत्य हो, ये तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है जी। ऐसा है कि एक तो जो सत्य है, सनातन है, संस्कृति है, वो जीवन में लोगों के चली आ रही है, और दूसरी ये है कि राजनीति के अनुसार जैसे जिस समय जैसी ज़रूरत होती है वैसे उसको तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार गढ़ लिया जाता है जी। तो कुछ लोगों ने अपने अनुसार गढ़ने का प्रयास भी किया है जी, और वो हर युग में जारी रहता है, लोग अपने अपने ढंग से गढ़ते रहते हैं, अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर को लेकर कोई विवाद नहीं है, राम को लेकर कोई विवाद नहीं है, श्री राम को लेकर कोई विवाद नहीं है, श्री कृष्ण को लेकर कोई विवाद नहीं है, हनुमान जी को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजनेता और राजनीतिक पार्टियां इनके नाम लेकर, इनके 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 विषयों का उल्लेख कर अगर विवाद पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह के विवादों को आप क्या मानते हैं? और आपको नहीं लगता कि ईश्वर विवादित हो रहे हैं, ईश्वर की आस्था विवादित हो रही है, उनके नाम विवादित हो रहे हैं? देखिए, हम लोग प्रायः कहते सुने जाते हैं कि अगर कोई ऊपर की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की ओर थूके तो उसका थूक उसके ही मुंह पर आकर के गिर जाएगा, सूर्य भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान की सत्ता को छू पाना बहुत कठिन है इन सब के लिए, और जो समझदार हैं वो जानते भी हैं कि ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इनके बहकावे में नहीं आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारी बहुत सारी भोली भाली जनता कभी कभी इनके द्वारा व्याख्या जो की जाती है उसमें फंस जाती है, और बाद में लंबे समय के बाद उसको इस बात का अनुभव होता है कि हमने गलत समझा था, ठगे गए हम।
ये जो कर्नाटक चुनाव हुआ, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली का जो नाम आया उसे लेकर जो विवाद हुआ, राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं ने जिस तरीके से उसे उछाला, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक जो अनुभव किया है और अध्ययन किया है, लोगों से चर्चा भी की है, हमने ये पाया है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ना तो सही होता है और ना तो पूरी तरह से गलत होता है। जो बहुत गलत होते हैं उनमें भी कुछ अच्छाई होती है और जो बहुत अच्छे होते हैं उनमें भी कुछ नाम मात्र की बुराई हो जाती जी। दिख जाती है। तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत कैसे हो सकता है? इसलिए ये कहना कि पूरी संस्था ही गलत है इसलिए हम इसको बैन कर देंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। और फिर किसी संस्था को जो भगवान हनुमान के नाम पर है उस संस्था को बैन किया जा रहा है, और फिर उसकी ये व्याख्या की जाए कि हनुमान को ही बैन कर दिया जा रहा है, ये व्याख्या भी गलत है। तो दोनों ही लोग अपने अपने ढंग से जनता को छल रहे थे, दोनों ही लोगों की व्याख्या गलत थी, दोनों लोगों का प्रयास सही नहीं था। और सच बात ये है कि एक धर्माचार्य के रूप में हम जब ये देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे कार्यों से सभी राजनीतिक दलों को रोका जाना चाहिए। हमारा सीधा तो कोई अधिकार इस तरह का नहीं है, लेकिन हम भारत के चुनाव आयोग से बार बार अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से भी जी, कि इस तरह की चीज़ें अगर राजनीतिक और राजनीतिक दल के लोग करते हैं तो आपको संज्ञान लेकर के इस बारे में उनको रोकना चाहिए, ये उचित नहीं है। और देश की राजनीति में सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता उभर कर आ रही है। आपको भी पता ही होगा कि एक नई संसद बनी है देश में और उसका उद्घाटन होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब इसे लेकर भी विवाद शुरू होगा। विपक्ष कहता है कि जनाब उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए। देखिए, अब ये चूंकि राजनीति की बात है जी, इसमें हमारा बोलना कहाँ तक उचित है आप पहले ये निश्चित कर दीजिए तभी हम बोलें, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में अपना कोई मंतव्य नहीं देना चाहते, धर्म के क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए तो धर्म पे बात कर लेते हैं, धर्म के चेहरों पर बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा क्योंकि नया जमाना है और नए जमाने में जिस तरीके से नए संत, कम उम्र के संत निकल कर आ रहे हैं, जिनकी सभाओं में देख रहा हूँ कि लाखों की भीड़ है। एक आप जैसे शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, जिन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई की, जिन्होंने सनातन की पढ़ाई की, जिनको वर्षों लग गए यहाँ तक पहुँचने में। एक वो संत हैं जो अपने दरबार में पर्चा खोलकर बालाजी और हनुमान जी का नाम लेकर लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं। ऐसे संतों के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी का नाम लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करते नहीं हैं जी, और किसी संस्था के लिए भी सीधे नहीं बोलते हैं जी। कोई सिद्धांत की बात हो तो हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष पर हम कोई टिप्पणी कभी नहीं करते। नहीं, इसी सिद्धांत हमने किया है, जब भी जैसा कि अभी आपने भूमिका में बताया जी, आपने अभी भूमिका में बताया कि हमने बागेश्वर के महाराज के लिए कुछ कहा, हमने व्यक्तिगत रूप से कभी भी उनके लिए कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने देश में या विदेश में जो लोग भी चमत्कार दिखा रहे हैं वो चाहे किसी संप्रदाय जाति के हों, चाहे किसी देश के भूभाग में रहते हों, उन सब के लिए अनुरोध किया था कि अगर कोई चमत्कार है तो आइए, बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनका दुख दर्द दूर कर दीजिए। तो हमने सबके लिए कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है। और जहाँ तक ये बात है कि कोई कम उम्र का है और उसको ज़्यादा लोग सुन रहे हैं या उसमें ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि पूर्व जन्म से अगर किसी का अध्ययन होता है तो बच्चे में भी विशेष प्रतिभा देखी जाती है और लोग उसका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी 8 वर्ष में ही चारों वेदों के विद्वान हो गए थे और लोग उनके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए आने लगे थे। तो हमारे यहाँ शरीर की आयु नहीं देखी जाती है, ज्ञान वृद्ध देखा जाता है। अगर कोई कम उम्र में भी ज्ञानी हो गया है तो हम उसको केवल कम उम्र के कारण नकार नहीं सकते जी। नहीं, यहाँ पर नकार नहीं रहे, असल में आजकल तो सैटेलाइट का युग है, आप सैटेलाइट के जरिए अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, टेलीफोन के जरिए बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से, मैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ही बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से वो कहते हैं कि मेरा सीधा कनेक्शन हनुमान जी से है, और किसी का भी पर्चा खोलते हैं हनुमान जी से वो ध्यान लगाते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि साहब बालाजी ने ये कहा है,
ये कितना सच है, क्या वाकई ऐसा सीधा कनेक्शन किसी साधु संत का देवलोक से हो सकता है स्थापित? देखिए, हमको तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जी जो सीधे संपर्क में हो। नहीं तो इसे लेके आप कर क्या करेंगे? ऐसे संत जो सीधे कहते हैं कि मेरा सीधा कनेक्शन है, वो आंख बंद करते हैं और ऐसा लगता है कि कोडिंग में बात कर रहे हैं वो ईश्वर से, भगवान से, और पर्चा खोल के बता देते हैं। और यही कारण है क्योंकि क्योंकि जिस तरीके का युग चल रहा है, आपको पेन होता है, आप तत्काल रिलीफ लेना चाहते हैं और तत्काल रिलीफ के जरिए आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं। तो आजकल जिस युग में लोग परेशान हैं तो ऐसे बाबाओं को ढूंढा जाता है जो तत्काल आपको रिलीफ दें। तो ये तुरंत आप उनके सामने पहुंचिए, वो पर्चा खोलते हैं, कनेक्शन बालाजी से, हनुमान जी से जोड़ते हैं और सीधे बताते हैं कि साहब ये परेशानी और ये कर लो, आपकी स्थिति ठीक। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? हमको तो ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला, लेकिन अगर किसी को मिल रहा है हम कैसे उसको मना कर सकते हैं? हमको नहीं मिला, हम स्पष्ट कह रहे हैं और गहराई से कह रहे हैं। नहीं, जितना ज्ञान, चूंकि आप शंकराचार्य जी हैं, जितना ज्ञान आपको है, भरोसा भी देश में बहुत कम लोग सीधी तरह से आंख बंद करके हनुमान जी से बात कर लेता हो। वही मैं कह रहा हूं कि आप विश्व में बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपके समक्ष हैं। आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आपको ईश्वर का ज्ञान है, आपको संस्कृति का ज्ञान है। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की विद्या दिखा रहे हैं और विद्या दिखाकर जादू दिखा रहे हैं कि विद्या दिखा रहे हैं कि सीधे ईश्वर से बात कर रहे हैं, तो क्या इस देश के सनातन से जुड़े हुए साधु संतों को, शंकराचार्य महोदय को, स्वामी जी को, या धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, क्या उनको ये देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले भी आपको याद होगा बहुत सारे संत आए हैं, साधु आए हैं, वो समोसे से हरी चटनी खिला के कमाल करते थे। वो कहते थे कि आपने कौन सा कपड़ा पहना परसों, आपने हरा पहना, इस बार लाल पहन लीजिए, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा। तो ये तो लोगों को ठगना हुआ। धर्म के नाम पे दायित्वों का बोध है और इसीलिए हमने ये बात कही थी कि जोशी मठ में हमारे दरारें आई हैं, चमत्कारी लोग जहां जहां भी हैं कृपा करके पधारें और इन दरारों को दुरुस्त करें, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। बार बार हमारा ये वक्तव्य आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पूरे देश में दिखाया गया, चर्चा में आया जी, लेकिन कोई भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति सामने नहीं आया। इससे जनता ने अपने आप समझ लिया कि चमत्कारी लोग जिस तरह की आकांक्षा हम करते हैं वैसे नहीं हैं। तो ये स्पष्टता हो गई जनता के सामने, नाम लेकर के ही हम किसी का पर्दाफाश करें इसका जरूरी नहीं है। हमने अपने दायित्व के अनुसार अपनी बात कही और वो प्रमाणित भी रही देश में, और आज भी वो बात जहाँ की तहाँ खड़ी हुई है, दरारें अभी भी हैं, अभी भी समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है, अभी भी कोई चाहे तो आकर के प्रमाणित कर सकता है, हनुमान जी की शक्ति को अपने स्वयं के द्वारा दिखा सकता है। मेरा वही कहना है अभय मुक्तेश्वरानंद जी कि चूंकि आप बहुत बड़े पद पर आसीन हैं और आप धर्म से जुड़े लोग हैं, धर्म पर, सनातन पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि मानते हैं कि धर्म और सनातन सत्य है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता, वो कभी मिट नहीं सकता। और धर्म के नाम पर जो लोग लोगों को गलत ज्ञान बांट रहे हैं या गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो आप जैसे बड़े पदों पर आसीन बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को जागरूक करें? क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जिस जगह इस तरह के संत पहुँच रहे हैं, हम बागेश्वर की बात कर रहे हैं, जिस जगह पहुँच रहे हैं लाखों की भीड़ वहाँ पहुँच रही है। देखिए, हमने अपना दायित्व बता दिया, लोगों के सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि ऐसा कोई चमत्कारी देश में नहीं है जो आकर के बड़ी समस्या जो लोगों को परेशान कर रही है उसको दूर कर सके जी। हमने अभी, आपने चर्चा की, हमने कह दिया, कल हमसे पत्रकारों ने पूछा था तो हमने कहा कि बागेश्वर के महाराज जी स्वयं, हमने जो सुना है, अस्पताल बनवाना चाहते हैं जी, कई करोड़ रुपए लगा करके बनवाना चाहते हैं, उनके मन में लोगों, दुखी लोगों के लिए पीड़ा है जी, तो वो अस्पताल क्यों बनाना चाहते हैं अगर सीधे हनुमान जी से ही वो लोगों का दुख दूर कर देते हैं? तो इसका मतलब है कि वो भी ये बात मानते हैं और समझते हैं कि अस्पताल से ही रोगों को दूर किया जा सकेगा। तो ये जो बातें हैं इससे जनता के सामने स्पष्टता तो हो ही जाती है जी।
और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, देखिए आज शंकराचार्य जी के पास कोई अधिकार नहीं है। आज जब देश आजाद हुआ उसके पहले तो राजा सुधन्वा के द्वारा दिया गया हमारे पास अधिकार था, धर्म के मामले में हमारे निर्णय अंतिम होते थे, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से भारत के शंकराचार्यों का अधिकार सरकारों ने अपने पास रख लिया है। धार्मिक मामलों में भी अब वही निर्णय करने लगे हैं, राजनेता स्वयं धार्मिक हो गए हैं, धर्माचार्य स्वयं बन गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम कुछ घोषणा करते भी हैं, कार्रवाई करते भी हैं, तो हम ही को विवादित घोषित कर दिया जाएगा, हमारी बात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसीलिए हम लोग अपनी परिस्थिति को देखते हुए जनता के सामने सिद्धांतों को रखते हैं और समय समय पर वे सिद्धांत प्रमाणित होते हैं और जो जागरूक जनता है वो उसको स्वीकार भी करती है। जिन जिन बातों के बारे में, चाहे हमने अपने जगत गुरु जी महाराज को देखा जी, अन्य आचार्यों को देखा और अपने द्वारा भी हमने कई बार कई बातें कही गई, तो देखा कि जो समझदार लोग हैं उसको स्वीकार करते हैं और वो परिवर्तन समाज में आता है जी। तो लोग जान रहे हैं कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन आपने एक बात बहुत मार्मिक कही कि जब आदमी पीड़ित होता है तो उस समय उसको उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। लोग इतने परेशान हैं कि उनको डूबते को तिनके का भी सहारा होता है जी। अब तिनका क्या सहारा देगा, लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति तिनका भी दिख जाए तो उसको पकड़ने के लिए मुट्ठी बढ़ा देता है, हाथ मार देता है। तो उसी तरह से लोग इतने परेशान हैं कि जहां से भी कोई आश्वासन की बात करता है कि आओ हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, वहीं पर वो भीड़ लगा करके खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति है, लेकिन उसको धीरे से पता तो चल ही जाता है कि हम तिनके पर हाथ लगा रहे थे, इससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती जी, जी, तब तक बहुत समय भी हो जाता है। और ऐसे कई संतों के बारे में हमने देखा भी, आधार वाला कोई अवलंब होगा जी, हमने देखा भी है। शंकराचार्य जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के संतों का राजनीतिकरण भी हो रहा है। हम देखते हैं कि किस तरीके से राजना इस तरह के संतों को लपक लेते हैं और उनको अपनी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक इच्छा का को लेकर आगे बढ़ाते हैं, और यही कारण है इस तरह के संत भी देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, जिस तरफ हवा चलती है वो भी उस तरफ बहने लगते हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है, राजनेता भी उठा रहे हैं और इस तरह के संत भी उठा रहे हैं, और आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, तो इस पर आप बताएं कि कैसे और क्यों। नहीं, असल में हम किसी के विरोध में, या कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो उसका हमको विरोध करना है या उससे अलग हमारा मंतव्य है, ऐसी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये विचार होना चाहिए कि क्या जो मौजूदा व्यवस्था लागू है, धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा भारत में लागू है, क्या ये जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो गया, सिद्ध हो गया ये। एक तरफ हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, संविधान के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, नई संसद बना रहे हैं उसी के अनुरूप चलाने के लिए, और एक तरफ जनता हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, इसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उससे जन आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो पहले तो इस पे डिबेट होनी चाहिए कि क्या धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ हुआ है कि असफल हो चुका है। अगर असफल हो गया है तब फिर ये नया स्टेप आएगा इस विचार का कि अब नई व्यवस्था लागू की जाए जी। और उस समय जब हम विचार करने के लिए बैठेंगे तो ये विचार होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए कि राम राज्य बनाया जाए। हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से काम नहीं चलेगा और परिभाषित भी ठीक से नहीं हो रहा है राज्य, क्योंकि हिंदू राज्य राम का भी था, रावण का भी था, कंस का भी था, बैन का भी था, और इसी तरह जाने कितने और अत्याचारी राजा हो गए हैं हिंदुओं में भी। तो हिंदू राज्य से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा राज्य लाना है जिसमें प्रजा सुखी हो तो वो एकमात्र आदर्श राम का ही राज्य है। तो जब हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ना ही है तो क्यों ना हम आदर्श राज्य की बात करें, ये हमारा तात्पर्य जी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कुछ अच्छी बात आप उठाते हैं या समाज के हित से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आप पर भी सवाल उठा देते हैं। यानी कि मैं जिक्र कर रहा हूं सन्यासी अखाड़े का, उन्होंने भी आपके जिस पद पर आप आसीन हैं उस पर भी सवाल उठा दिया था। और जैसे कहा जाता है कि जज का परिवार का व्यक्ति जज ही क्यों होता है, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि साहब शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वही शंकराचार्य क्यों करेंगे, क्योंकि पुरानी ऐसी व्यवस्था थी कि शास्त्रार्थ होता था, उसके बाद जो उसमें विजय होता था वो शंकराचार्य बनता था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी शंकराचार्य जी, मेरा ये कहना है कि आपने आपने ये कहा
कि जब भी कोई बेहतर आप बात उठाते हैं या समाज को सुधारने का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी उठा दिया जाता है। ऐसे में सन्यासी अखाड़े ने भी आप पर सवाल उठा दिया था और सवाल इस बात को लेकर उठाया था जैसे कॉलेजियम सिस्टम है, जज के परिवार का व्यक्ति जज क्यों हो, ऐसे ही शंकराचार्य के शिष्य शंकराचार्य क्यों हैं, क्योंकि पुरानी जो पौराणिक सनातन व्यवस्था है उसमें शास्त्रार्थ होता था, उसके बाद तय होता था कि शंकराचार्य कौन बनेगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, आप बताइए इतिहास में कोई ऐसा अवसर बताइए जहां कोई शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य बना हो। शंकराचार्य शास्त्रार्थ करते हैं जी, लेकिन शंकराचार्य बनने के लिए हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अगर हम जीत जाएंगे तो हम शंकराचार्य बन जाएंगे, ऐसी आकांक्षा पाल करके किसने शास्त्रार्थ किया है? अगर कोई उदाहरण अतीत का आपके संज्ञान में हो तो कृपा करके बताइए। ये सन्यासी अखाड़े से आपका विरोध किया जब आप इस पद पर आसीन हुए? हमारे यहाँ सुनिए जी जी सुनिए, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो सन्यासी होता है वो कामनाएं नहीं रखता है जी। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में ये बात आ गई कि मैं इस पद पर आसीन हो जाऊं और उसके लिए वो प्रयास करने लगा, इसका मतलब है कि वो सन्यासी ही नहीं रह गया जी। और जब वो सन्यासी ही नहीं रह गया, कामना वाला हो गया, तो फिर वो शंकराचार्य कैसे बन सकेगा? इसलिए कोई भी शंकराचार्य चाहे किसी पीठ पर आसीन हो जी, वो अपनी कामना से शंकराचार्य के रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि अपने गुरुओं के आदेश से वो विराजमान है, क्योंकि उनके गुरुओं ने कह दिया कि ये हमारा आदेश है कि इस पद पर विराजमान होकर के धर्म का पालन करो, धर्म का प्रचार करो। तो गुरुओं के आदेशानुसार कोई बैठता है इस पीठ पर। इस पीठ पर आने की कामना किसी सन्यासी के मन में अगर होगी तो वो सन्यासी ही नहीं रह जाएगा। जिस क्षण कामना जागेगी उसी क्षण उसका सन्यासी तो समाप्त हो जाएगा जी। एक अंतिम सवाल आपसे कि 4 जून 2022 को जी, एक अंतिम सवाल, 4 जून 2022 को ज्ञानव्यापी परिषद में आपने अनशन किया 108 घंटे का अनशन ज्ञानव्यापी परिषद में आपने किया। उसके बाद शंकराचार्य जी जो अब नहीं है उन्होंने आपका अनशन तोड़वाया। ज्ञानव्यापी को लेकर क्या कहा जाए? भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा हो। देखिए, हम चाहते थे कि भगवान प्रकट हुए हैं तो उनकी पूजा अर्चना हो, उनकी स्तुति हो, उनका प्रसाद स्वीकार करें हम लोग। और ये प्रकट हुए भगवान का भी अधिकार था। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा अधिकार है कि हम उसका पालन करें, और उसका भी अधिकार है कि उसको दूध मिले, उसको पोषण मिले, उसको लालन पालन मिले। तो ऐसे ही उस प्रकट हुए शिवलिंग का भी ये अधिकार था कि उसको पूजा मिले। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें साफ लिखा हुआ था कि ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसी वस्तु है उसके अनुसार का संरक्षण उसको दिया जाए। अगर गाय है तो ड्यू प्रोटेक्शन चारा है, अगर बच्चा है तो ड्यू प्रोटेक्शन दूध है, अगर मनुष्य है तो ड्यू प्रोटेक्शन भोजन है। उसी तरह से पूजा मूर्ति का ड्यू प्रोटेक्शन है। तो हम चाहते थे कि कोर्ट का आदेश भी है और हमारी परंपरा भी है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा हमको करने दिया जाए, बाकी निर्णय कोर्ट में होगा। लेकिन हमारी बात को अस्वीकार किया गया और हमको कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए, जबकि वाराणसी प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हमने कहा कि इसमें ड्यू प्रोटेक्शन लिखा है, इसकी व्याख्या ये है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम कोर्ट में गए कि हमको भगवान की पूजा करने के लिए कहिए, और हम ये भी नहीं मांग रहे थे कि हम ही को करने के लिए कहिए, हम कह रहे थे कि स्वयं प्रशासन या न्यायालय कोई भी व्यवस्था बना दे, भगवान की पूजा होनी चाहिए। और ये बात केवल हमारी नहीं थी, पूरे देश के समस्त सनातन धर्मियों की है। हम कोर्ट में गए, आज तक तारीख पर तारीख हमको मिल रही है और भगवान हमारे बिना पूजित वहां पर बैठे हुए हैं। आखिर हम कब तक ये सहते रहेंगे कि हमारे भगवान बिना पूजा के प्रकट होने के बाद भी विद्यमान रहें जी? तो हमारे धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा भारत के न्यायालयों के द्वारा ली जा रही है जी। बहुत मुश्किल में हैं हम लोग। तो इसके लिए कोई लड़ाई, कोई आंदोलन, कोई अनशन फिर से? हाँ जी, इसके लिए कोई लड़ाई, कोई आंदोलन, कोई अनशन फिर से? अब बार बार हम लोग कोर्ट में कह रहे हैं, अर्जी पर अर्जी डाल रहे हैं कि जल्दी सुनिए, अभी एक फैसला आया है उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं जी, और उसमें हम ये बात कहने वाले हैं। अगर हम देखते हैं कि न्यायालय हमारी भावनाओं को और हमारी माने हम सनातन धर्मियों की भावनाओं को नहीं समझता है तो स्वाभाविक है फिर हमको मरता क्या न करता, हम फिर खड़े होंगे न्यायालय से बाहर, सड़क पर खड़े होने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
और सारे सनातन धर्मी बाध्य होंगे, सबकी ये भावना है कि अगर शिवलिंग प्रकट हुआ है तो उसकी पूजा शुरू हो। जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि वो शिवलिंग नहीं होता है, तब तक तो जो लोग शिवलिंग मान रहे हैं वो शिवलिंग के रूप में उसका व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे जी, इतनी सी बात को नहीं समझा जा रहा है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे शंकराचार्य जी, जो आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की, अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से करने के लिए। नमस्कार।